अभिवादन स्वीकार करिए समीर इंडियन का। मालेगांव शहर के मारूफ सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन की दुख्तर का आज निकाह हुआ और उनका आज जो है रिसेप्शन का भी प्रोग्राम था। इस रिसेप्शन के प्रोग्राम में जहां शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, वहीं बॉलीवुड से भी कई अफराद ने शिरकत की और हमारे दरमियान टीवी सीरियल और मराठी फिल्मों के अदाकार मौजूद है। रफीक सैयद साहब ये भी मौजूद है। इन्होंने अब CID जो सीरियल चलता है उसमें भी काम किए। आपको मालेगांव शहर में आप आए, आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? मालेगांव शहर से तो बहुत मोहब्बत है क्योंकि मालेगांव में जो भी रहने वाले कलाकार बोलो या कोई भी बोलो, जैसे सोशल वर्कर बोलो, पत्रकार लोग बोलो, ये इनकी मोहब्बत से हम लोग है ना पुरसुर हो जाते, मोहब्बत से भर जाते। इसलिए मालेगांव में आने के लिए हम लोग भी तड़पते कि मालेगांव वाले कब बुलाएंगे। और इतनी मेहमान नवाजी, शायद ही शायद, ऐसा नहीं कि मालेगांव में आया हूँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी मेहमान नवाजी और इतनी इज्जत हम कलाकारों को, हम पत्रकार लोगों को बाकी किधर ही नहीं मिलती जो मालेगांव में मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मालेगांव वालों का। आपने मराठी कौन कौन सी फिल्मों में काम किया? मैंने मराठी में कम से कम 10 से 15 पिक्चर किया हूँ। उसमें से मैंने गुलाम बेगम बादशाह, फक्त सातवीं पास, कुंभारवाड़ा डोंगरी, जुगाड़, ऐसे बहुत से पिक्चर है। मराठी सीरियल जो संभाजी चालू थी अभी, संभाजी में मैं एक मुगल सरदार का रोल किया था, बुड्ढा होगा तेरा बाप अमिताभ बच्चन के साथ एक फाइट सीन होता मेरा हमारा, जो हम लोग प्रकाश राज के लोग थे, बहुत बड़े कलाकार है प्रकाश राज, उनके साथ उनके थे और बच्चन जी के साथ मैंने फाइट किया। उसके बाद एक फिल्म थी मेरी बुलेट राजा, बुलेट राजा में 50 लोग का ऑडिशन हुआ वो एक सीन के लिए, 50 आर्टिस्ट में तिग्मांशु धुलिया करके डायरेक्टर है, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और सैफ अली खान साहब के साथ मेरे को उसमें एक रोल करने को मिला। और अभी बहुत सी सीरियल मेरी वेब सीरीज चालू है ज़्यादा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है नासिक के आशिक, नासिक के आशिक, हाँ हिंदी चैनल है नासिक के आशिक। तो सबसे गुजारिश है कि आप उसको भी मोहब्बत दें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छी हो या बुरी हो, कमेंट ज़रूर दे जी। आपके बहुत सारे डायलॉग्स भी होंगे, कौन सा डायलॉग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है? नहीं नहीं, डायलॉग तो बहुत नहीं है, लेकिन मेरे, मैं जब भी नासिक के आशिक करता हूँ तो मालेगांव का एक डायलॉग जो मेरे को अच्छा लगता है, मालेगांव के एक कलाकार है, वो बोलते हैं ना कि हर बात में बुरी गत के बोलते हैं तो मेरे मुँह से वो बुरी गत के निकल ही जाता है। इतना मालेगांव का इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो गया। मालेगांव के कलाकार इज़ द ग्रेट कलाकार है, उनकी मेहनत जो सालों से कर रहे, देखो मेरा कहना था कि जो कैसेट थी, कैसेट के बाद CD आई, CD के बाद फिर YouTube आया, तो जब से लगे वो ये लोग बेचारों ने मेहनत की, आज अल्लाह ने उनकी मेहनत को रंग दिया और आज उनकी मेहनत का फल उनको मिल रहा है। तो मेरी तरफ से पूरे मॉलीवुड को और मालेगांव के सब पत्रकारों को और मालेगांव के जो समाज सेवक है, जैसे हमारे खालिद सरहदी साहब है पत्रकार के, हमारे आशिक अली नाम ही उनका आशिक है, उनसे जो भी मिलता है आशिक हो जाता है, और सरहदी साहब तो ऐसे हैं कि उनकी कोई हद ही नहीं है, इतनी मोहब्बत है। सही में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे बाजू में खड़े इसलिए मैं उनसे इतनी बात कर रहा हूँ, सही में। और ये लोग ने कभी भी मुझे आवाज़ देते तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने CID में भी काम किया, कितने एपिसोड किए आप CID में? CID में देखो, मैं आज तक जो भी रोल करता हूँ पिक्चर में तो एक छोटा सा रोल कभी नहीं करता हूँ, मुझे कैरेक्टर रोल मिलेगा तो ही करता हूँ। तो मुझे उसके अंदर 2 एपिसोड में एक कैरेक्टर, जो डॉन का कैरेक्टर रहता है, जो पूरी स्टोरी इर्द गिर्द मेरे घूमती है और मेरे जो बंदे रहते हैं वो सब बॉम्ब ब्लास्ट करते घूमते हैं, और आखिर में फिर दया और जो अभिजीत है और CID लोग हैं, वो डॉन को पकड़ते हैं और डॉन से कुछ डायलॉग वगैरह होते हैं, मेरा नाम उसके अंदर, हाँ डॉन ही से, तो उसके अंदर फिर इस तरीके की स्टोरी के बहुत अच्छा काम मिला था। उस वक्त भी ऐसा हो गया था कि बॉम्बे की टीम आई, वहाँ पे भी मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन आज भी हमें ऑडिशन देना पड़ता है, और ऑडिशन में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी 10-20 लोग आए थे और 10-20 में फिर डायरेक्टर ने बोला कि नहीं यार ये बंदा अच्छा जाता है, तो आप लोगों की वजह से उस CID में भी काम करने मिला है ये। और हमारे जगदीश भाई है जी, नमस्ते, इन्होंने इनका पहले सवाल, सर आपका थोड़ा परिचय करा दें आपका नाम जी। मेरा नाम जगदीश आहिर है, मैं नासिक से हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, 18 मराठी फिल्में की है, सावधान इंडिया, CID में काम कर चुका हूँ, कुछ सीरियल में काम कर चुका हूँ। मालेगांव में मैं पहली बार आया हूँ और इनकी मेहमान नवाजी से मैं बहुत बेहद खुश हूँ। इस तरह का प्यार सिर्फ भाइयों में होता है यार, ऐसे दोस्त मिले तो यार बार बार मिलने, बार बार मैं मालेगांव आऊँ और आपके साथ इंजॉय करूँ, बहुत अच्छा लगा। शादी में भी बहुत सारी इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा। पूरे शहर मालेगांव के लिए कोई मैसेज? बस यार बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के,
बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। भाईचारा सीखो तो इनसे सीखो, बहुत प्यारे लोग हैं। एक एक एक, एक बात याद आई कि मालेगांव में मेरा एक पिक्चर रिलीज हुआ था, मेरे जैसा कौन। बहुत से लोगों को पता होगा, हेमंत बिरजे और मैं अपोजिट में थे, और आपके नासिक के मारूफ कलाकार आसिफ अलवेला साहब, जिसे आप प्यार से जैना बोलते हैं, वो थे। हमारी पूरी शूटिंग औरंगाबाद में, लेकिन यहाँ के जो लोग है ना, इतनी मोहब्बत है। मेरी जब एंट्री हुई थी ना पिक्चर के अंदर, तो लोगों ने ना सुतली बम फोड़ दिए थे थिएटर के अंदर, सुतली बम फोड़ दिए। मेरे को प्रोड्यूसर बता रहा था, प्रोड्यूसर बोल रहा था कि आप छुप जाओ, यहाँ के लोग है ना बहुत डेंजर। मैं बोला नहीं, ये लोग हमें देखने आए। तो मैं कभी भी छुपता नहीं हूँ, कलाकारों से मिलता हूँ, और आज भी मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मालेगांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी प्यार मोहब्बत हर धर्म के साथ हर जाति के साथ रखना। क्योंकि मैं एक ही बात हर जगह पर यही कहता हूँ कि बहता है लहू गीता रामायण से, निकलता है खून कुरान का, बहता है लहू गीता रामायण से, निकलता है कुरान का, ना हिंदू का ना मुसलमान का। इस खून की कुछ कदर करो, ये खून है हमारे हिंदुस्तान का। यही एक संदेश लेके मालेगांव में, और अभी तो मेरे तक बोलता हूँ, यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अभी यहाँ कभी दंगे नहीं होते, यहाँ कभी फसाद नहीं होते, ये मैंने सुना। अल्लाह इसी मोहब्बत सब में रखे। मालेगांव वालों से ये गुजारिश है कि नासिक को आशिक को देखना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, मुंबई से इस वक्त मैं मालेगांव में हूँ, यानी दो दिन से मालेगांव में हूँ। एक तो शूटिंग है हनी देवी जी की, और दूसरी शफी एंटी करप्शन, उनके बच्चे की शादी है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ खालिद सरहदी साहब के जरिए, खालिद सरहदी जो है हमारे तकरीबन 20 साल पुराने दोस्त हैं, और हमेशा मेरी फिक्र में रहते हैं, हमेशा मेरे बारे में मालूमात करते रहते हैं, मेरे अच्छे सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मालेगांव से मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत नेक हैं और बहुत अच्छे हैं। हमेशा जो है लॉकडाउन में मैंने सुना और पढ़ा भी, हमेशा ये लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते थे। तो मैं शफीक भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज उनके बच्चे की शादी है और मैं शामिल होने में आ रहा हूँ। और हनी देवी जो यहीं के लोकल एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं जिसमें मैं विलन हूँ। पहली दफा मालेगांव में मैं शूटिंग करने आया हूँ, तो तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमेशा आता रहूँ मालेगांव। बहुत बहुत शुक्रिया।